नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, तालिबान को लेकर ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है उसमें अब तालिबान के राज की चाबी मिल गई है और प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संयुक्त कोशिशों के कारण ही आज ब्रिक्स के पांचों देश अफगानिस्तान और दुनिया भर में टेररिस्टों को काउंटर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे होंगे, अफगानिस्तान में आतंकियों की पनाहगाह ना बनने दिए जाए, इसको लेकर ब्रिक्स के सम्मेलन में बहुत बड़ी बात छिड़ी और इस पर पांचों देशों ने हामी भरी कि वे अपने एक साथ मिलकर दुनिया भर से आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए तैयार होंगे। और इसमें रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का महत्वपूर्ण हाथ है। दोस्तों, ब्रिक्स के सम्मेलन में जो रूस है उसने डायरेक्ट अमेरिका पर निशाना साधा है कि अमेरिका ने ही अपनी अफगानिस्तान से सेनाएं हटाकर वहां पर तालिबान का राज कराया है और अब तालिबान की यह सरकार अफगानिस्तान की पड़ोसियों के लिए संकट बन गई है और देखते ही देखते पूरी दुनिया के लिए आतंकियों का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें हम चाइना की, तो चाइना ब्रिक्स के सम्मेलन में तालिबान पर लेकर कोई भी बयान नहीं दे पाया और दुनिया भर में चीन और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जो कि तालिबान के मुद्दे पर अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत और रूस के बड़े प्रयासों के बाद ही अफगानिस्तान में हो रही आतंक विधियों पर लगाम लगाने के लिए ब्रिक्स के पांचों देश तैयार हो गए हैं और इसके लिए वे अपने सभी संसाधनों का साझा प्रयोग करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। पहले तो चीन ने आनाकानी करने की कोशिश की, परंतु रूस के दबाव के कारण चीन को भी हामी भरनी पड़ी और तीनों ने मिलकर जो अफगानिस्तान में आतंकवादियों के क्राइसिस चल रहे हैं उस पर चिंता जताई। साथ ही दुनिया भर से अपील की है कि आतंकवादी गतिविधियों को ना बढ़ना दिया जाए और अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में गलती की है अपनी सेना को वापस बुलाकर उसको सुधारने के लिए संभव प्रयास किए जाएं ताकि अफगानिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनके जीवन फिर से सुखमय हो सके। बाकी आपके इस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।